टीम इंडिया को मिला धाकड़ ऑलराउंडर। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर ठोका था शतक और शामिल हुए थे एलीट क्लब में। फिर गेंद से बरपाया कहर, तीन बल्लेबाजों का किया शिकार। क्रिकेट के भगवान हैं जिसके पिता मुंबई से नहीं मिला मौका तो गोवा की तरफ से किया डेब्यू। दोस्तों, भारत के महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी डेब्यू में कमाल का प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर ने अपने हरफन मौला प्रदर्शन से सबको दंग कर दिया है। राजस्थान के विरुद्ध मुकाबले में पहले तो अर्जुन तेंदुलकर ने शतक ठोककर इतिहास रचा, फिर गेंद से कहर बरपाते हुए तीन विकेट चटका लिए। अर्जुन के सॉलिड प्रदर्शन से सभी हैरान हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी को बेहद गिने चुने मौके ही मिले हैं। वो पहले मुंबई रणजी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा था। परिस्थिति को भांपते हुए अर्जुन ने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और रणजी ट्रॉफी में गोवा की तरफ से खेलने का फैसला किया। आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा जरूर है, लेकिन अभी तक अर्जुन अपने डेब्यू का ही इंतजार कर रहे हैं। गोवा की तरफ से राजस्थान के विरुद्ध अपना रणजी डेब्यू कर रहे अर्जुन तेंदुलकर ने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन किया है और ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर वो देश का नाम रोशन करने वाले हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने राजस्थान के खिलाफ 23.1 ओवर में 104 रन देकर तीन विकेट चटकाए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर ने महिपाल लोमरोर को 63, सलमान खान को 40 और अनिकेत चौधरी को 38 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अर्जुन के अलावा गोवा के मोहित रेडकर ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 47 ओवरों में 113 रन देकर पांच विकेट चटकाए। हालांकि चौथे दिन दूसरे सेशन में मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने एक एक पारी ही बल्लेबाजी की। राजस्थान की टीम पहली पारी में 456 रन पर ऑल आउट हुई, जबकि गोवा ने पहली पारी में 547 रन पर पारी घोषित कर दी थी। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे अर्जुन तेंदुलकर ने 207 गेंदों पर 16 चौकों और 2 छक्कों से सजी 120 रनों की शानदार पारी खेली थी। अर्जुन के अलावा सुयश प्रभुदेसाई ने 212 रन बनाए थे। प्रभुदेसाई ने अपनी पारी में 29 चौके लगाए थे और अर्जुन के साथ छठे विकेट के लिए उनकी 221 रनों की साझेदारी हुई थी। अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल से पहले अपने प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को गदगद कर दिया है। वह संभवतया रणजी ट्रॉफी में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी के साथ तीन विकेट चटकाए हों। विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया है और अब अगले साल होने वाले आईपीएल में उनका डेब्यू तय माना जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन को रिटेन भी किया है। पिछले 2 सालों से मुंबई इंडियंस उन्हें स्क्वाड में तो रख रही है, लेकिन अभी तक डेब्यू का मौका नहीं दिया है। बेटे अर्जुन के प्रदर्शन पर पिता सचिन तेंदुलकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने शतक से पहले अर्जुन से बात की थी। सचिन ने कहा, मैंने उसे शतक जमाने को कहा था। सचिन ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि उसे क्रिकेट से प्यार करने देना चाहिए, उसे मौके मिलने चाहिए। मैंने कभी अपने पेरेंट्स से प्रेशर नहीं झेला, तो ऐसे में उसे भी दबाव में रखना सही नहीं होगा। मेरे ऊपर अति उम्मीदों का दबाव नहीं था, मैं भी अपने बेटे से यही चाहता हूँ। आपको बता दें कि रणजी डेब्यू में शतक लगाकर अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता सचिन तेंदुलकर के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। सचिन ने भी अपने रणजी डेब्यू पर शतक जमाया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन तेंदुलकर को 2023 आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिलेगा या नहीं? क्रिकेट के खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।